smiling, keep shining, stay blessed, chill, party, have fun, don't take stress, ignore people, ignore hate. दुनिया में आगे बड़ा कुछ गलत हो रहा है, आप मेकअप करें, आराम से चिल करें. I'm gonna use Too Faced ka hangover primer. I have this much, or then I'm gonna rub it in my hands and I'm gonna start just push this product in. And I like to mix Huda foundation with my Fit Me luminous smooth dry to normal skin ke liye 115 shade, and Huda mein my number is 230N. So I'm gonna use one pump of Huda Beauty, like so, half pump. I must say this is half pump, and then I'm gonna put some one pump all over my face. मैं color correct नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि वो भी बताऊँगी, इतना ज़रूरी नहीं होता. I'm going little bit heavier under my eyes, like so, and then I like to just tap. This Huda Beauty foundation is thick, so I like to mix this foundation with a sheer foundation for a luminous glowy finish, because I have extremely dry skin, so I just like to, you know, mix this foundation with sheer foundations. You can use any other sheer foundation such as Pro Glow by L'Oreal, that's nice as well. Itna hard tha. Now I'm going to again bounce foundation overall on my face. अच्छा जी, ये मैं जीरो का मैंने कंसीलर पैलेट लिया है, और उसके बाद मैं लूंगी फ्लैट ब्रश बाय रियल टेक्निक. अल्लाह करे मुझे मिल जाए, मिल गया. ये आइवरी है, एक आइवरी मैं यूज़ करती हूँ, एक ये करती हूँ पोर्सलीन है, ये मैं पोर्सलीन यूज़ करने लगी हूँ आज. नाउ आई एम गोना टैप दिस प्रोडक्ट अंडर माय आईज ब्रिज ऑफ माय नोज, माय चिन. बेसिकली हम ये अपनी स्किन की टी जोन पे जा रहे हैं. नाउ आई एम गोइंग टू बाउंस दिस. अच्छा जी, कंसीलर कोई बताए अच्छा सा. ये ले लें जीरो मेकअप बाय नबीला, जिसके अंदर दो किस्म के शेड्स आते हैं, जबरदस्त किस्म के हैं. अच्छा जी, फिटमी का कौन सा शेड है आपका? मेरा है 115. अच्छा, जीरो बाय नबीलास का. हाँ जी, जीरो बाय नबीलास का, जबरदस्त है यार, दिस इज नाइस. ब्यूटी फाइबर आमना का है पाउडर ब्रश, और इसी के नीचे जो ब्रश होता है, आई एम गोना टेक दैट जीरो पैलेट के ऊपर, और ये मैं अंडर आइज के नीचे ऐसे टैप टैप करके लगाऊंगी. आपने भी यहाँ पे टैप टैप ही करना है, ऊपर देखें और टैप टैप करें, आंखों के ऊपर भी टैप टैप कर लेती हूँ. आई लाइक टू टैप दिस पाउडर ओवर माई आईज, अंडर माई आईज, माई टी जोन एरिया, स्माइल लाइन्स, माई चिन, जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया, फोरहेड. Now I'm gonna grab bigger brush, and then I'm gonna just tap this powder all over my neck, little bit my chest, and all over my face. Use NYX ki contour kit. This is my favorite contour kit, by the way. Everyone knows that now. और मैं ये lighter भीज के shadows लूँगी, और थोड़ा सा ये brownie लूँगी, brownish था ये, इस तरह से. अब ये मेरा load हो गया है, dust the excess away. और now I'm gonna put this like this. And just blend this. थोड़ा सा product और. और काम ही लगता है इससे. मैं ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा यहां पर ये angle रख के इस तरह से. Done. My bronze up contour is done. Now I'm going to just थोड़ा सा इसको enhance करूंगी contour को. वो भी technique मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैं ये लूंगी कॉन्टोरिंग ब्रश, मैं थोड़ा सा और लूंगी पाउडर. अब मैं इसी के अंदर अंदर दोबारा करूंगी. मास्टर ब्लश मेबेलिन न्यूयॉर्क का, इसमें सारे वो कलर्स और शेड्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं. इसमें एक हाइलाइटर भी है. कॉरल जो है वो आपको मॉडर्न लुक देता है, इवनिंग लुक्स में बहुत प्यारा लगता है, और जो पिंक है ऐसा ब्राइट पिंक, ये आपको फ्रेश लुक देता है. ये जो कलर है यहाँ पे कम यूज़ होता है, लेकिन अगर आपने कभी बहुत ओवर द टॉप जाना होता है, देन यू कैन यूज़ दिस कलर एज वेल. जो पसंद है, मैं ब्रश पे दोनों ले लेती हूँ अपने थोड़े थोड़े कलर्स, डस्ट द एक्सेस अवे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्लश कैसे लगाते हैं, स्माइल
अ लिटिल बिट एपल ऑफ योर चीक्स पे हम इसको इस तरह से लगाएंगे एंड ब्लेंड इट अपवर्ड्स. माय मदर इज हेयर. हेलो, क्या कर रही हो जी? ऑलराइट, करूंगी मैं विद एनास्थासिया ग्लो किट अमेजिंग हाइलाइटर. सो अच्छा जी, आईब्रोज रेज अप करके मुझे पसंद है कि मैं इधर नीचे भी इसको हाईलाइट कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. आप अपने टेम्पल्स पे भी लगा सकते हैं, मुझे टेम्पल्स पे लगाना इतना नहीं पसंद, आप लगा लें अगर आपको लगाना है तो. मैं बस ये यूं करती हूँ और ऐसे करती हूँ. नोज पे मैं सही भर भर के हाईलाइटर लगाती हूँ. रेवोल्यूशन का ये है बेक एंड फिनिश लग्जरी बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये मैं यूज करने लगी हूँ. स्पंज, चलो जी, ये मैंने टैप कर लिया भी हो जाएगी. ये मैं अपने जॉ लाइन निकाल रही हूँ और ये मैं कनेक्ट करती हूँ लिप्स तक, ठीक है. ये जो लिप्स का कॉर्नर है ना, उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. अब देखिए ये कनेक्ट है विद कॉर्नर, ये नहीं है. अब मैं इसको करूँगी, ये हो गया, ठीक है. और थोड़ा थोड़ा मैं फोरहेड पे भी लगा देती हूँ. ब्लेंड दिस सर्कुलर मोशंस डाउनवर्ड्स. ये देखें, ये एक बिल्कुल शार्प एक अच्छी सी लाइन पड़ जाती है और ये मुझे पसंद है फॉर माय जॉ लाइन. अगर आपको ये पसंद है गुड इनफ. अगर थोड़ी सी ब्लेंड करनी है तो आप इसको हल्का हल्का यूं ब्लश के साथ ब्लेंड कर लें. स्टार्ट माय मेकअप लुक विद दिस टाइप ऑफ पिंकिश कलर, ये जो इसके ऊपर होता है, और ये रोज गोल्ड पैलेट है हुदा ब्यूटी का. आई एम गोना टैप दिस, आई एम गोना टैप डस्ट ऑफ द एक्सेस. आई एम गोना स्टार्ट विद pushing the product in like this. I just push this in. ये लग गया है. And now I'm going to blend this circular, light circular motions. और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी crease में लेके जाऊंगी, swiping motions and then again light circular motions. Circular motions, swipe, right left, circular motions. Right, left, and I'm gonna use Sandalwood of Huda Beauty. I'm gonna start from my, I'm just gonna tap this inwards, and then I'm going to just blend this in my crease. Half pe main kar rahi hu, half pe karne ke baad isko halka halka taki seamless lage, main isko itna se kar rahi hu. Aur isko thoda sa outwards, halka again circular motions, right left, and then circular motions. अब मैंने देखना है कि दोनों शेड के जो वो है ना डार्कनेस, वो इक्वल होनी चाहिए दोनों आंखों के ऊपर, बिल्कुल इक्वल है. ये मैंने अपने फर्स्ट ट्रांजिशन शेड के अंदर बिल्कुल मिक्स कर दिया है. नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट आई एम गोना डू माय अंडर आईज. मैं इस तरह का एक ब्रश लूंगी जो कि आप नीचे लगा सकती हैं. ये हिना कलर है, इसका नाम है हुदा ब्यूटी के पैलेट का, और इसको मैं नीचे लगाऊंगी इस तरह से. Blending. Now I'm gonna add little bit black and I'm gonna grab a small brush for that. और ये हुदा का है black shadow, एक ही है पूरे उसके ऊपर. ये मैंने थोड़ा सा लिया और मैं सिर्फ corner पे लगाऊंगी हल्का हल्का, और इसी को मैं इसके अंदर ही blend करूंगी. इस तरह से दिस वन मैं हाफ लिप लगाऊंगी. वू, ऑलराइट, नाउ आई एम गोना पुट दिस टाइप ऑफ ग्लिटर इधर. नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस विद माय फिंगर्स. पहले जो लगा हुआ था ना मुझे ज्यादा अच्छा लगा था. इसके ऊपर टैप करूंगी. वाओ वाओ, मैं लगाऊंगी स्टार्टिंग फ्रॉम ये पीछे से मिडल से. ये होगी बैक इन एंड देन इनर कॉर्नर. ये देखिए लाइनर लग गया.
पहले मैं इसके बाद मैं यूं रिमल की पेंसिल काजल लूंगी और मैं इसको कलर करूंगी आंख के अंदर। जी थैंक यू सो मच। अब मैं इसका एक्सेस पाउडर, लेट मी डस्ट दिस अवे। एनीवन देयर? आई एम इसको कलर किया है नीचे एक लाइन लगाकर अपवर्ड्स, और उसके बाद मैंने ये आर्च बनाया है। जब मैं लाउड मेकअप करती हूँ ना, तब मैं आर्च थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आइडिया बस मैं वो लगाऊंगी, थोड़ा सा मैं इस तरह करके लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं लैशेज लगाती हूँ तो मैं मस्कारा इतना नहीं लगाती। ठीक है, सिर्फ अपनी जो मेरा आई शेडो वगैरह लगा होता है उसको हाइड करने के लिए, और लोअर लैशेज पे लगाती हूँ। वेयरिंग दिस मैक की वेलवेट टेडी, बहुत कमाल का कलर है। जबरदस्त। मैं कभी ना बनाऊं, आई डोंट लाइक टिकटॉक, आई कैन नॉट लिव विद टिकटॉक वाले। यार लोग कैसे टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, मैं भी शायद के डायलॉग्स बोलूंगी। अच्छा प्लीज टिप्स फॉर वेट लॉस एंड चैनल ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट दैट्स ऑल, दिस इज माई लाइफ कम्प्लीट लुक। मैं अभी आई हूँ, माशाल्लाह नाइस लग रही हो। थैंक यू सो मच। आपने पूरा ये दोबारा देखना है, आप इसमें फाउंडेशन मिक्सिंग सीखेंगी, ये ग्लैमरस लुक देखेंगी जिसमें ये ग्लैम डैम हमने इस तरह का किया है जो हर लड़की घर पे कर सकती है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, चिल, पार्टी, हैव फन, डोंट टेक स्ट्रेस, इग्नोर पीपल, इग्नोर हेट। दुनिया में आगे बड़ा कुछ गलत हो रहा है, आप मेकअप करें, आराम से चिल करें साथ में। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज। स्किन केयर भी जरूर किए जा। हाँ जी मैं जरूर करूंगी, मैं जाऊँ अब, आप मुझे जाने दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।